अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर मुनीर है और मैं तौफ शरीफ का रिहायशी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कलमा चौक है, कलमा चौक तौफ शरीफ की नाम पर एक जगह है बाजार में। तो मैं ये आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने ना ये जो मजदूर वगैरह लगे हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे टाइल्स वगैरह उतार रहे हैं। अब इन्होंने मोहम्मद के नाम को भी, मतलब जिस तरह अभी ये उतार रहे हैं ना, ये देखें आप छेड़ी के साथ, तो इसी तरह इन्होंने मोहम्मद के नाम को भी उतारा है। क्या अब इनको जो है ना पकड़ के हम जिंदा जला दें? तो ये मुझे आप कहें सब बता दें, एक ही कानून होना चाहिए ना फिर तो। आप इनके साथ क्या करना चाहिए, ये ज़रा एक सवाल या निशान है ना हमारी कौम के ऊपर। अल्लाह हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और कलमा चौक फिर दोबारा से काम शुरू हो चुका है और प्लस्तर वगैरह जो है ना भी चल रहा है। मैं सराय की छूर बाबर मुनीर आपको पूरी कलमा चौक की वीडियो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और मैं LCC पे मौजूद हूँ। ये आज कलमा चौक की जो पिलर है ना, वो उस पर प्लस्तर वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, कल से बाकी कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर है और कलमा चौक यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो ये न्यू टाइल्स वाइट लगा दी इन्होंने, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही कलमा लिखना है जैसे पहले लिखा होता, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्योंकि उनके पीछे भी जो वाइट टाइल्स हैं और उसके ऊपर ब्लू कलर में जो है ना लाल लाइट कलर लिखा हुआ था। तो देखें क्या नई कारीगरी करते हैं। तो ऐसे ज़रूरत नहीं थी यार, काम पाई पैसे इतने बना लिए होंगे यहाँ से इन्होंने, तो बस आपकी सोच है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और सिराजुल हक साहब कल आए थे, वो अपना खिताब करके चले गए हैं और कलमा चौक जो ना भी वहीं की वहीं है, 3-4 टाइलें मज़ीद लग गई हैं। तो अब देखें ये न्यू ईयर से पहले इन्होंने पता नहीं ख़त्म कर देनी है कि नहीं करनी, अभी टाइम रहता है जी। आज 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर की शाम है और मज़दूरों ने कल का काम जो है ना छोड़ दिया, सिर्फ वो कोना और ये नीचे वाला, और इसके बाद कलमा भी शायद लिखेंगे। तो ये काम 28 तारीख की शाम तक कंप्लीट हो चुका है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तौसा शरीफ में मौजूद हूं और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पौधों को पानी देने के बजाय इस तपती धूप में और इस तपती गर्मी में कलमा चौक की जो ये टाइल्स वगैरह हैं ये धोने का इरादा किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि तौसा की आवाम कहां सोई हुई है, तौसा की इंतज़ामिया कहां सोई हुई है, चेयरमैन साहब कहां सोए हुए हैं। ये देखिए ये टाइल्स धोई जा रही है लेकिन पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा, इतनी कोई बकवास इंतजामिया है तौसा की, मैं इंतहाई नाखुश हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबर मुनीर है और मैं तौसा शरीफ की कलमा चौक पर मौजूद हूँ। तो ये कलमा चौक इन्होंने आप कह लें कि कुछ फ्रेम्स लगवाए हुए हैं पूरे पिलर पे, ये चारों तरफ ये पिलर हैं और इसके जो नीचे जो है ना एक लाइट लगी हुई है, जब मगरिब होती है तो जो सारी लाइट्स जल जाती हैं तो ये खूबसूरत हो जाता है कलमा चौक।